चलिए सीधे बैठिए। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, पिछली बार मैंने सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में आपसे निवेदन किया था और तीन संस्कार बालक के या बालिका के जन्म से पहले हो जाते हैं, जिन्हें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। बालक और बालिका के जन्म होने पर जो संस्कार किया जाता है उसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। उसके जन्म होने पर परमेश्वर की अद्भुत रचना है कि जिन प्राणियों की वह रचना करता है, वह जो है एक थैली के अंदर जो है वह उसकी रचना करता है, उसके अंग प्रत्यंग उसमें विकसित होते रहते हैं। मनुष्य के, गाय भैंस आदि के जो बालक जिस थैली के अंदर रहते हैं, जिसे जरायु कहते हैं, उस थैली के अंदर पानी रहता है। पानी में बच्चा जो है उससे सुरक्षित रहता है तथा उसका पोषण होता है। जब बालक शरीर से बाहर आता है, वह थैली फटती, पानी निकलता और बालक बाहर आ जाता है। एक दो घंटे भी कोई व्यक्ति पानी में रहे तो उसकी त्वचा के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो 9-10 मास तक जो बालक या बालिका उस थैली के अंदर यानी पानी में रहता है, तो उसकी त्वचा की रक्षा के लिए परमात्मा ने ऐसा जो है प्रबंध कर रखा है जिससे श्लेष्मा लगी रहती है, त्वचा को कोई नुकसान जो वो नहीं होता है। उसी प्रकार से वो पानी कहीं नाक के अंदर, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, आँखों के द्वारा शरीर के अंदर न जाए तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी उस श्लेष्मा का उस जो है उस मल को लगा रखा। जब बालक का जन्म होता है तो वो चिकित्सा शास्त्र के जानने वाले या जो इस विद्या के जो निष्णात होते विषय में जानकारी रखते हैं, वो आँखों का मेल हटाते हैं, नाक के नासिका का जो मेल हटाते हैं और मुंह पर भी जो श्लेष्मा लगी उसको साफ करते हैं, कान का भी हटाते हैं, ताकि बच्चा जो है अब तक जब तक माँ के शरीर के अंदर था तब तक वो श्वास नहीं लेता था, बल्कि माँ के श्वास से ही वो श्वास लेता था। अब उसके शरीर से वो अलग हो रहा है इसलिए उसको श्वास की ज़रूरत है, इसलिए नासिका से प्राणवायु का आना जाना उसका बना हुआ रहा, इसलिए उसको साफ किया जाता। आँखों से वह देख सके, कानों से वह सुन सके, इसलिए वो श्लेष्मा जो लगी हुई है, जो मैल लगा हुआ है कान के अंदर, नाक के अंदर, आँखों के अंदर, उसको सारा साफ किया जाता है। साफ करने के पश्चात उसको जो है स्नान कराने का ऋषि ने उल्लेख किया। उसके बाद में इस चीज़ का संकेत दिया है कि सोने की शलाका से पिता घृत और शहद को मिला करके उसके ऊपर ओम लिखे, परमात्मा के नाम उस ओम का जो है लिखने का उल्लेख वहाँ पर ऋषि ने जो किया है। और इस बात का संकेत दिया है कि तेरे जीवन का जो लक्ष्य मेरे बेटे और बेटी वह परमात्मा है जिसका नाम ओम है। महर्षि आस्क ने निरुक्त के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है कि जब हम सब माँ की कोख के अंदर होते हैं तब कल्पना किया करते हैं कि भगवान मैं पैदा हुआ और मर गया, फिर पैदा हुआ और मर गया, अनेक योनियों के अंदर मैंने वास किया है, अनेक माता और पिता की गोद में मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और विविध प्रकार का मैंने भोजन किया, हर बार का अवसर मैंने अपने हाथों से खो दिया है, लेकिन इस बार का अवसर मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। मैं इस जंतु से जेर से लपेटा हुआ हूँ, उल्टे सिर लटकाया हुआ हूँ और जब इस 9 मास की कैद से निकल जाऊंगा तो 25 तत्व ने आपको प्राप्त करने का, सांख्य और योग का अभ्यास करता हुआ मैं आपको प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।
वो यास के जो शब्द हैं जो आपने पढ़े होंगे, जातश्चाहम पुनर्मृतः मृतश्चाहम पुनर्जातः, मैंने पैदा हुआ और मर गया, फिर पैदा हुआ और मैं मर गया, नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि यानि वे, यानि अनेक योनियों के अंदर मैंने जो निवास किया है, मातरो विविधा दृष्टा पितरः सुहृदस्तथा, अनेक माँ की गोद के अंदर खेला हूँ, अनेक पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ, अनेक सुहृद रहे हैं, और इस चीज़ को कहता है आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना स्तना, विविध प्रकार का मैंने जो आहार मैंने भोजन किया है और माँ के दूध का सेवन किया है। आगे लिख रहा है कि अवांग मुख पिड्यमानो जंतुश्चैव समन्विता, मैं उल्टे सिरे लटकाया हुआ हूँ और जंतु मैंने जिस थैली में बालक है उसके लिए कह रहा है कि इससे जो है मैं लपेटा हुआ हूँ और इससे बाहर नहीं निकल सकता। आगे अपनी स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि सांख्यम योगम समभ्यसेत पुरुषम व पांचविंशकम, सांख्य और योग का अभ्यास करता हुआ उस 25वें तत्व का मैंने 24 तो प्रकृति और उससे बनने वाला यह जो स्थूल जगत है उसकी ओर संकेत दिया, और न प्रकृति न विकृति पुरुषः जो कहा गया है वह 25वां तत्व, उसका मैं अभ्यास मैंने आपको प्राप्त करूँगा, और वह 25वां तत्व परमात्मा है और उस परमात्मा का नाम क्या है, वह ओम है, इसलिए धरती पर कदम रखते हुए ही माता और पिता संतान को यह संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तेरे जीवन का जो लक्ष्य वो परमात्मा है जिस परमात्मा का नाम ओम है। कभी किसी सज्जन के मन में विचार आ जाए कि बालक पैदा ही हुआ और इतना बड़ा उपदेश माता पिता दे रहे हैं वो क्या समझ रहा है, लेकिन ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि बालक तो नहीं समझ रहा, लेकिन बालक की माँ और बालक का पिता तो समझ रहा है कि जब हम पैदा हुए थे हमारा भी तो यही हाल हुआ होगा, यदि हमने अब तक ईश्वर की उपासना प्रारंभ नहीं की, ओम का जाप शुरू नहीं किया और उस परमात्मा का चिंतन नहीं किया तो कम से कम अब तो हम ईश्वर की उपासना प्रारंभ कर लें ताकि हमको देख करके हमारी संतान भी ईश्वर के साधना में लग जाएगी। तो इस जात कर्म संस्कार के द्वारा ऋषि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वो परमात्मा के नाम ओम से होती है, और जीवन का समापन भी यदि होता है मैंने इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं वो भी परमात्मा के नाम ओम को स्मरण करते करते इस शरीर को जीवात्मा छोड़ता है। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर मंत्र आता भस्मांतम शरीरम, और आगे का ओम कृतो स्मरह क्रतु बने जीवात्मा, तुम ओम का स्मरण कर लो। तुम्हारे जीवन की शुरुआत उस परमात्मा के नाम ओम से होती है, और पिता इसी बात का संकेत हमें दे रहा है कि उस परमात्मा हमारी जीवा से यदि कोई पहला वर्ण निकले तो ओम निकले, उस भगवान को हम याद करें। आप सब जानते हो ओम शब्द का अर्थ अवरक्षणे धातु से ओम शब्द बनता, जिसका मतलब है परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई हमारा रक्षक नहीं है, हम अपना सर्वोपरि रक्षक उस परमात्मा को माने हैं। यह संकेत यहाँ पर माता और पिता दे रहे हैं, जिस प्रकार से लौकिक माता और पिता हमारी अपनी रक्षा करते हैं और वो तभी रक्षा कर पाते हैं जब वो उनको पता लगता है, जानकारी होती है, लेकिन परमात्मा हर पल और हर क्षण हमारी रक्षा करता है, और किस प्रकार से रक्षा करता, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं जब जब जीवात्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तब तब अंदर से भय शंका और लज्जा महसूस होती है। ये अंदर से कौन डरा रहा है, अंदर से हमको कौन रोकने का प्रयत्न कर रहा है, बस वही अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो है इस बात को प्रेरणा दे रहा है कि देखो इस काम को मत करो, और यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो परमात्मा उसमें दुनिया बुरा बताए लेकिन परमात्मा अंदर से उत्साह देता है, प्रेरणा देता है, यही परमात्मा का जो है रक्षा करने का कार्य हो, परमात्मा इस प्रकार से रक्षा करता है। तो ओम के बारे में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में विस्तार से लिखा है,
आप देखिए कि जहाँ इस चीज़ का संकेत दिया गया हमारा लौकिक किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अभी संकेत इस प्रक्रिया के द्वारा दिया जा रहा है, जहाँ घृत और मधु से जहाँ पर ओम लिखा जा रहा है, वैसे इनका भौतिक दृष्टि से आप देखो तो घी स्नेह का प्रतीक है, यह दीपक माना गया है, यह अग्नि को प्रदीप्त करता है, आयु का वर्धक है, आँखों के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माना गया। तो जहाँ पर भौतिक ऐसा अग्नि विषनाशक के जहर को भी नष्ट करने वाला है, तो अनेक गुण घी के अंदर है, वहाँ इस बात का भी आध्यात्मिक संकेत दिया है कि जीवन के अंदर जो है स्नेह पूर्वक लोगों को मिला करके, लोगों के साथ मिलकर के रहने का प्रयत्न करना। सर्दी में आप देखते हो कि घी जो है जम जाता है, और उस घी के साथ छाछ हो, मट्ठा हो, पानी हो, उसको भी वो जमा लेता है। तो ईश्वर की साधना करने वाले व्यक्ति का ये गुण है कि वो जम करके तो रहता है, सबको जमा करके मिला करके रखता है, बिखेरने का काम वो नहीं करता है। संकेत भी इसके द्वारा दिया जा रहा है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी इसका जो हो दिया जा रहा है। शहद को त्रिदोष नाशक माना जाता है, और इस चीज़ को कहा जाता है कि वात पित्त और कफ इन तीन दोषों को संतुलित करने का कार्य करता है, लेकिन साथ में शहद में मधुरता होती है, मिठास होता है। व्यक्ति का जो है अपना व्यवहार मधुरता से युक्त होना चाहिए, मिठास से युक्त होना चाहिए, उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। वाणी की कड़वाहट से अपना व्यक्ति भी पराया बन जाता है, वाणी के मिठास से पराया व्यक्ति भी अपना बन जाता है। इसलिए मधुपर का विवाह संस्कार के अंदर भी उपयोग होता है, और वहाँ पर भी इसी बात का संकेत दिया जाता है कि अब तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पारिवारिक जीवन शुरू हो रहा है, इसलिए अपनी वाणी का संतुलित प्रयोग करना। वाणी की कड़वाहट से विनाश के कगार पर व्यक्ति, परिवार और समाज पहुंच जाता है, और वाणी की मधुरता से जो है व्यक्ति बिखरे हुए व्यक्तियों को भी समेटने का यत्न करता है। शहद की एक और विशेषता की ओर माता और पिता इस बात को याद दिला रहे हैं, गन्ने को पीस करके उसका रस निकाला जाता है, गन्ने का स्वरूप नष्ट हो जाता है। रस का जिस समय गुड़ बनाते हैं, रस का भी स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक चीज से दूसरा मीठा बनाते पहला वाला समाप्त होता है। जिस मधुमक्खी से फूल, जिस फूल से मधुमक्खी शहद लेती है, वो फूल वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है, फूल में विकार विकृति या उसका विनाश नहीं होता है। वैदिक संस्कृति के अंदर माता और पिता इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर तुम खूब धन कमाना, लेकिन दूसरे का विनाश करके नहीं, दूसरे को तकलीफ दे करके नहीं, दूसरे का सुख छीन करके नहीं, बल्कि दूसरे को सुरक्षित रखते हुए धन कमाने का प्रयत्न करना, ताकि जीवन के अंदर तेरा अपना जीवन का जो लक्ष्य वो परमात्मा को तुम्हें प्राप्त करना है। और सब जीव परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के संतान को जो व्यक्ति तकलीफ देगा, कष्ट देगा, तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का संकेत वहाँ पर जो दे रहा है कि शहद जिस प्रकार से मधुमक्खी फूल को सुरक्षित रखती है, तुम दूसरे को सुरक्षित रहते हो रखते हुए जीवन के अंदर खूब कमाने का प्रयत्न जो करता है करना है। आप ध्यान देंगे अपने नाम के साथ में श्री और श्रीमती शब्द का प्रयोग आता है, और श्री शब्द जो है संस्कृत में श्री आश्रय धातु से बनता है, और श्री आश्रय धातु का मतलब होता है हम नाम के साथ घोषणा करते हैं, हम दूसरे को आश्रय देते हैं, दूसरे का आश्रय सहारा छीनने का पाप नहीं करते हैं। पुरुष के साथ श्री लगता, महिला के साथ श्रीमती लगता है, दोनों इस बात की घोषणा करते रहते हैं कि हम दूसरे का सहारा छीनने का पाप नहीं करते, बल्कि दूसरे को सहारा देते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो पार्श्विक सभ्यता है, पशुओं की सभ्यता है। बड़ा आदमी यदि किसी छोटे आदमी को, बलवान व्यक्ति किसी कमजोर को सताता है, तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वह पशुओं का भी बड़ा भाई है, जो बलवान होकर के निर्बल को सताता है, वह पशुओं का भी बड़ा भाई है। तो इस बात का संकेत हमारी अपनी परंपराओं के अंदर जो बना हुआ रहा, लोगों ने आज श्री और श्रीमती शब्द हटा दिए, मिस्टर और मिसेस लगाने लगे, तो सारा देने के बजाय सारा छीनने का काम भी करने लगे।
तो शहद इस बात का संकेत दे रहा है कि जीवन के अंदर हम दूसरे को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के बनाए हुए सभी प्राणियों की हम सुरक्षा करें, इसलिए ईश्वर की साधना के अंदर, योग दर्शन के अंदर, जहाँ पहले यम की चर्चा करते वहाँ अहिंसा शब्द का प्रयोग ऐसे लिखा है, यानी हिंसा करने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता और परमात्मा को प्राप्त करने वाला हिंसक वृत्ति रखने वाला नहीं हो सकता, ये संकेत यहाँ पर जो दे दिया है। साथ साथ में सोना जो उसके भौतिक संपदा और वैभव का भी संकेत इस बात को दिया जा रहा है कि जीवन के अंदर कभी दरिद्र बन करके नहीं रहना है, जो है हमें परिश्रम करना है और परिश्रम करते हुए वयम श्याम पति हो रहे इनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, हमें जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं हो, और परिश्रम करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से उस चीज़ को जो वो सफलता को धन ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से संकेत दिए गए। इस संस्कार के अंदर पिता संतान से क्या अपेक्षा रखता है और क्या भावना रखता है, ऋषि ने वहाँ पर वाक्य दिया, अश्मा भव परशुर भव हिरणमय स्त्रितम भव। माता और पिता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मेरे बेटे और बेटी ईश्वर की साधना के मार्ग में, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में, या धर्म के मार्ग में, श्रेष्ठ कार्य के मार्ग में, अश्मा भव तुम चट्टान की भांति मजबूत बन करके रहना। हमेशा जो है कमज़ोर आदमी जो है डावाडोल हो जाता है, आंधी और तूफान आएंगे, प्रतिकूलताएं आएगी, विरोध भी होगा, अनेक कष्ट और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चट्टान पत्थर अपनी जगह मजबूत रहता है। तुम अपने लक्ष्य में बड़े मजबूती के साथ लगे रहना ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। साथ साथ में इस चीज़ का भी संकेत दे दिया परशुर भव, परशु कुल्हाड़े को कहते हैं, और कुल्हाड़े की स्थिति है कि जो भी बाधा आती, रुकावट आती है उसको चीर करके समाप्त करता है। आर्य संतति को उपदेश दिया गया है कि खरबूजा बन करके जीवन के अंदर मत रहना। खरबूजा आप जानते हो, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, हमेशा कटता क्या है, खरबूजा ही कटता है। इसलिए खरबूजा बन करके नहीं रहना, कुल्हाड़ा बन करके रहना। तुम्हारे मार्ग में, जीवन में, उन्नति में यदि कोई बाधा डाले, जो है रुकावट डाले, उस बाधा रुकावट को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। यदि अपने लक्ष्य पर तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तो निश्चित रूप से कहते हैं कि हिरणमय स्त्रितम भवा, सोने के भांति चमक उठोगे। जिस प्रकार से लोग सोने को संभाल करके रखते हैं और जैसा उसका ध्यान रखते हैं, तुम्हारा जीवन पर लक्ष्य की ओर होगा, वाणी में मधुरता होगी, जीवन में पवित्रता होगी, और दूसरे का तुम सहयोग करोगे, संरक्षण करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे अपने जीवन को भी दुनिया के लोग संभाल करके रखेंगे। तो इस प्रकार से पिता जो ये भावना व्यक्त करता हुआ इस चीज़ का वो संकेत दे रहा है इन विधियों के अंदर, और साथ साथ में जो पिता इस चीज़ को कहता है कि वेदोसी भाई तुम तो ज्ञानी हो, यानी जड़ और चेतन के अंदर यही तो हो जाएगा अमृतोसी, यानी तुम हमेशा मरने वाले, जीवात्मा कभी मरता नहीं है, बल्कि शरीर को धारण करने को जन्म और शरीर को छोड़ने को ही मृत्यु जो कहा गया है। और वेदों से इसलिए कहा गया कि जड़ प्रकृति के अंदर जो है अपनी सत्ता का अनुभव करने की क्षमता नहीं है। इस माइक को नहीं पता है कि इसके आगे कौन बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे दाएं साइड कौन बैठा और बाएं साइड कौन बैठा है। तो जड़ और चेतन के अंदर यदि कोई अंतर है तो बस यही है कि हमें इस चीज़ का अनुभव होता है, जानकारी होती है, इसलिए कहा गया कि वेदोसी तुम ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान को प्राप्त करना है तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य हो, सर्वोच्च स्थान तुम्हें ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते रहोगे बिना ज्ञान के, रीते जानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, बंधनों से छूट नहीं सकते हो। इसलिए यजुर्वेद के अंदर का विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा तुम अमरता को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से पिता इस चीज़ का वो संकेत दे रहा है कि तुम जो है ज्ञान से युक्त हो, अपने ज्ञान को अधिक से अधिक
विकसित करने का प्रयत्न करना है और निरंतर आगे बढ़ने का जो है प्रयत्न करते रहोगे, यहाँ पर संकेत दिया है। 8-9 मंत्र आते हैं जिन मंत्रों के अंदर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है इस बात को लेके, अग्निर आयुष्मान अस्तु, परमात्मा के विविध नामों को लेकर के पिता ये तो कामना करता है कि तुम्हारा जीवन जो वो सुरक्षित हो, तुम पूर्ण आयु को भोग करो। वह पिता अपने आँखों के सामने संतान को सुरक्षित और जीवित देखना चाहता है। उस पिता के लिए बड़ा दुर्भाग्य और दुखद वो दिन होता है कि पिता के आंखों के सामने पुत्र का जो है देहांत हो जाए, तो जन्म होते ही परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, अग्नि वायु आदित्य इत्यादि इन देवी देवताओं को लेकर के 9 मंत्रों के द्वारा जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तुम सुरक्षित रहो। और इतना ही नहीं, क्योंकि अंगाद अंगाद संभवसी मंत्र का भी उल्लेख किया है कि तुम मेरी भावनाओं का, मेरे शरीर का, मेरे हृदय का तुम एक प्रकार से सार और निचोड़ हो। तुम्हें संस्कारित करने के अंदर तुम्हारे जो है पूरे संस्कारों को दबाने का और अच्छे संस्कारों को विकसित करने का हम दोनों ने, पति पत्नी ने पूरा का पूरा प्रयत्न किया है, इसलिए तुम जीवन के अंदर जो बहुत आगे बढ़ सको, सुरक्षित रहो और उन्नति करो। ये संकेत यहाँ पर जो दिया है पिता, जहाँ पर इन मंत्रों से भगवान से प्रार्थना करता है, उसी के साथ बुद्धि की भी वो प्रार्थना कर रहा है, सुखी जीवन की प्रार्थना परमात्मा से कर रहा है। जीवः शरद शतम, यानि तुम 100 शरद ऋतु तक अपना जीवन जीने का यत्न करो। उसके सिर को सूंघने का भी उल्लेख वहाँ पर किया है। हमारी अपनी परंपराओं में जो है माता और पिता आशीर्वाद देते थे तो चूमने का नहीं बल्कि सिर को सूंघने का उल्लेख तो शास्त्रों के अंदर मिलता है, यानी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहें। तो वह यहाँ पर जो है संकेत इस प्रकार से दिया गया और अनेक मंत्रों से यहाँ प्रार्थना की गई। जहाँ पर बालक का जन्म हुआ है वहाँ पर जो है रोग के कीटाणु प्रभावित न कर सके, इसलिए उस स्थान पर यज्ञ करने का और यज्ञ के साथ उसमें पीली सरसों का डालने का जो संकेत दिया गया है, क्योंकि उसको रक्षघ्न कहा गया, राक्षसों को यानी कृमियों को नष्ट करने की क्षमता उसके अंदर होती है, इसलिए 10 दिन तक वहाँ पर जो है हवन का यज्ञ का विधान जो किया गया। और उसके साथ साथ ऋषि ने इस चीज़ का भी संकेत दिया है कि बालक का यदि सर्वोत्तम आहार यदि को हो सकता है तो माँ का दूध हो सकता है, जिसके अंदर हर प्रकार की क्षमता है, बालक का विकास होता है। इस प्रकार से अनेक बातें महर्षि दयानंद ने इस जात कर्म संस्कार के अंदर विस्तार से जो लिखी है। बंधुओं, जात कर्म संस्कार के पश्चात अगला संस्कार आ जाता है जिसे हम नामकरण संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार का ऋषि इस चीज़ को लिखते हैं कि बालक के जन्म होने के 10 दिन के बाद माने या तो 11वें दिन उसका नामकरण किया जाए, या 101 दिन में किया जाए, या फिर जिस दिन बालक का जन्म हुआ है दूसरे वर्ष माने प्रथम जन्म दिवस के ऊपर उसका नामकरण संस्कार किया जाए। यह संकेत वहाँ पर दिया है। नाम क्योंकि जीवात्मा का अपना जो है वैसा कोई नाम नहीं होता और व्यवहार के लिए उसका नाम रखना जरूरी, इसलिए आयुर्वेद के अंदर लिखा अभिप्रायिकम नाम, मने किसी अभिप्राय को बतलाने के लिए यानी व्यवहार में लाने के लिए जो है वह लिखता है चरक ऋषि के उस पदार्थ का नाम रखा जाता है, यानी जीवात्मा का भी कोई न कोई नाम रखना चाहिए ताकि उसका जो व्यवहार हो सके। जिस प्रकार से हम व्याकरण के अंदर व्यवहार करते हैं तो पाणिनि पहले संज्ञा सूत्र लिखते हैं, संज्ञा यानी नाम रख लिया, उसके पश्चात उसका जो है व्यवहार होगा। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार की चर्चा ऋषि ने यहाँ पर जो की है, लेकिन नामकरण संस्कार के साथ साथ इस बात को भी याद दिला रहे हैं कि नाम जो वो सार्थक होने चाहिए। नाम सार्थक हो, निरर्थक नाम न हो। जिस प्रकार से कोई नाम रख ले घसीटाराम या विलायती राम, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं, तो इस प्रकार का नाम न हो, बल्कि नाम जो है वो सार्थक होना चाहिए। साथ में इस चीज़ का भी संकेत ऋषि ने दिया है कि इतिहास में जिन व्यक्तियों की निंदा की गई है, जिन व्यक्तियों का जीवन जो है बड़ा जो है वो दुर्जन रहे हैं, बुरे रहे हैं, उनके नाम के अनुसार भी नाम नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कोई नाम अपने बेटे का कंस रख लें
रावण रख ले, दुर्योधन रख ले, जयचंद रख ले, तो इनका इतिहास में जो है बहुत ही जो है वो घटिया वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक महत्व नहीं है बल्कि निंदा है। तो इस प्रकार का भी नाम जो है संतान का नहीं रखना चाहिए। ऋषि दयानंद इस चीज़ को भी याद दिलाते हैं इसके अंदर कि तद्धितांत नाम नहीं होने चाहिए। तद्धित आप लोग जानते हो दो प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय और दूसरे तद्धित प्रत्यय। क्रिया से जो प्रत्यय होते हैं एक तो कृत होते हैं और दूसरे तिंग होते हैं। तो और जो है नामवाचक शब्दों से तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे कुंती नाम है और उसकी जो संतान है तस्य अपत्यम कौन्तेय, तो कौन्तेय नाम नहीं रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि कौन्तेय का तो मतलब है कि कुंती की जितनी भी संतान होगी सब क्या कहलाएगी, कौन्तेय कहलाएगी। इसी प्रकार से गंगा की जितनी संतान होगी, जितने बेटे होंगे गंगे कहलाएंगे। तो वहाँ पर जो है अर्जुन भी कौन्तेय है, युधिष्ठिर भी कौन्तेय है और भीम भी कौन्तेय है, इसलिए कह रहे कि तद्धितांत नाम जो वो नहीं होने चाहिए। ये ऋषि ने वहाँ पर लिखा, इस चीज़ का संकेत दिया और प्रमाण भी इस प्रकार के वहाँ बहुत सारे दिए हैं। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा इस चीज़ को दिया है कि नाम सार्थक हो, दो अक्षर वाले हो या चार अक्षर वाले हो। और इस चीज़ को युग्मानि पुरुषम मने युग मने दो चार छः अक्षर वाले नाम बालक के हों, और अयुग्मान स्त्रीषु और तीन अक्षर हो पांच अक्षर हो ये नाम लड़कियों के होने चाहिए। ये गृह सूत्रों के प्रमाण देकर के ऋषि ने वहाँ पर जो एक संकेत दे किस प्रकार से जो है नाम हम जो इस प्रकार से वो रखे हैं। उसके साथ साथ इस संस्कार के अंदर ये भी इस चीज़ का संकेत दिया गया है कि जिस तिथि को बालक का जन्म हो उस तिथि की आहुति दी जाए, तिथि के देवता की दी जाए, तो उस दिन कौन सा नक्षत्र ये दिया जाए, नक्षत्र के देवता की दी जाए। कहीं कहीं पर ऐसा संदेह होता है कि पौराणिक परंपरा महर्षि दयानंद ने डाल दी है, लेकिन तिथि और तिथि का देवता ये एक प्रकार से पर्यावाचक है। आप इस चीज़ को समझिए कि प्रतिपदे स्वाहा कहेंगे तो प्रतिपदा एक के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर जो उसका देवता ब्राह्मण आ रहा है तो ब्राह्मणे स्वाहा वहाँ पर जो कहेंगे, यानी ब्रह्म भी एक है और प्रतिपदा भी क्या है वो एक है। इसी प्रकार से यदि कहीं पर एकादशी के दिन बच्चा हुआ, एकादशी स्वाहा की आहुति दे रहे हैं तो एकादशी 11 के लिए आता है, वहाँ पर जो है रुद्राय कहकर के जो है इस प्रकार से उसके आहुति दिए, रुद्र भी 11 होते हैं तो आहुति दी गई है। नक्षत्र का भी जो संकेत दिया गया वो इसी दृश्य से दिया गया है कि जिस प्रकार से आज तारीख है, समय है, दिन है, नक्षत्र की भी स्थिति है, क्योंकि तीन प्रकार के अपने यहाँ जो है लोक लोकांतरों के अंदर जो है पाए जाते हैं, एक नक्षत्र होते हैं, दूसरे जो ग्रह होते हैं और तीसरे जो उपग्रह होते हैं। नक्षत्र वो होते हैं जो प्रकाशमान होते हैं, जैसे सूर्य नक्षत्र है। इसी प्रकार से जो है जहाँ पर जो है बहुत सारे चित्रा है, विशाखा है, ज्येष्ठा है, सारे नक्षत्र है, यानी ये देदीप्यमान है। और नक्षत्र के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी है, इसी प्रकार से बुध है, शुक्र है, शनि है, इनको ग्रह कहते हैं, ग्रह उपादान है, उससे वो प्रकाश और ऊर्जा ले रहे हैं इसलिए उनको ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है इसको उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह नक्षत्र की परिक्रमा करते हैं और नक्षत्र अपनी जगह घूमते हैं, वो भी स्थिर नहीं है। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो कोई नक्षत्र शुभ हो और कोई अशुभ हो ऐसा वेद के अंदर कहीं पर भी नहीं है। ये फलित ज्योतिषी ने इस प्रकार का बना दिया गया है कि ये नक्षत्र शुभ है और ये जो है नक्षत्र अशुभ है। तो इस प्रकार की मिथ्या परंपरा नक्षत्रों के नाम पर जो चली हुई है और इस बात को कह दिया है कि मूल नक्षत्र बड़ा अशुभ होता है, और साथ में कहानियां भी गढ़ दी गई कि मूल नक्षत्र में पैदा हो जाता है यदि बालक तो पिता को उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अभुक्त मूल वैभवम परित्यजे तु बालकम, यदि मूल नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है तो बालक का परित्याग कर देना चाहिए, इतना अंधविश्वास मिला है। और इतना नहीं कर सकते हो तो समाष्टकम वा पिता तत्मुखम नवलोकेत, अथवा 8 वर्ष का यदि बालक हो जाए मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है
तो पिता उसका मुंह नहीं देखे। आप आश्चर्य करोगे, वो स्वामी तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और उस समय जो है उनको पिता को और माँ को भय लगा, उसकी माँ को भय लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पति मेरे बालक का मुंह देख ले, तो उसको मुंह नहीं देखने दिया गया। जब तक वो 8-9 महीने का रहा तब तक अपने आंचल में छिपा के रखा, और जब घुटने के बल वो सरकने लगा तो उसने बिना बताए अपने पति को बता हुए किसी दूर के रिश्तेदार के वहाँ पर उस बालक को रख दिया। 8-9 साल तक बालक वो दूसरी जगह रहा है। जब 9 साल का 8 साल के बाद जब ज़्यादा समय का हो गया, उसके बाद उसको घर पर जो लाए, यह तुलसीदास को पीड़ा हमेशा रही। इसलिए जहाँ पर उसने रामचरितमानस लिखा है, विश्व में विख्यात हुआ, वहाँ पर एक ग्रंथ उसका कवितावली है, और उस कवितावली के अंदर इस बात को लिखता है कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मेरे जन्म होने पर जो है मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, मेरे माता पिता को बधाई नहीं दी गई। और आगे अपने लिए क्या लिखता, कि जो कुटिल कीट जू माता पिता हूँ। माता और पिता ने जैसे विषैले कीड़े को घर से निकाल के फेंक देते, मुझे इस प्रकार से निकाल करके फेंका है। यह अंधविश्वास का परिणाम है। तो नक्षत्र जो है काल का परिणाम है, वहाँ पर जो है वो कोई शुभ अशुभ नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूर्य जैसे जिस क्रांति वृत्त के इर्द और गिर्द 27 नक्षत्र ध्यान दीजिएगा, वो कोई शुभ अशुभ नहीं, काल के परिणाम को बतलाने के लिए है। इसलिए अपने यहाँ व्याकरण में आता है कि चित्रा नक्षत्र जिस दिन पूर्णिमा होती है उस महीने का नाम क्या पड़ जाता है, चैत्र पड़ जाता है। विशाखा नक्षत्र के नियमने पर पूर्णिमा आती है तो उस महीने का नाम क्या पड़ जाता है, वैशाख पड़ जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के रहने पर पूर्णिमा आ जाए और चंद्रमा पूर्णिमा का दिन दिख रहा है, उस महीने का नाम ज्येष्ठ पड़ गया। तो ये काल के परिणाम को परिमाण को जानने के लिए इनका है, कोई शुभ अशुभ नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने इन नक्षत्रों की आहुत्यादि, तिथि की आहुत्यादि, तिथि के देवता की आहुत्यादि, इन सब का जो वर्णन इस नामकरण संस्कार में जो किया है। महर्षि इस बात को भी दिलाते हैं कि जब बालक का नाम रखना हो तो माँ वे बालक के पिता के दाहिनी तरफ और बालक को जो है पिता की गोद में दे दें, बालक का सिर उत्तर की तरफ रहे, पैर उसके दक्षिण की तरफ रहे, और वापस जो है बालक की माँ माने पत्नी जो है पति के बाईं ओर साइड में बैठ जाए। वैसे यज्ञ में हमेशा पत्नी दक्षिण की तरफ रहती है, लेकिन कुछ संस्कारों के अंदर जो होता है पत्नी बाईं की तरफ रहती है, बालक का सिर उत्तर की तरफ, पैर उसके दक्षिण की तरफ, और वो पिता वापस माँ को जो है उस बालक को दे देता है। और इस चीज़ को संकेत दे रहा है कि जिस प्रकार से उत्तरायण के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, अंधेरा कम होता है, और ठीक इसी प्रकार से बालक का मस्तिष्क जो है वो जो है अधिक से अधिक प्रकाश को, ज्ञान को प्राप्त करने में सदा प्रयत्नशील रहे, और साथ में पैर उसके दक्षिण की तरफ रखें, वो इस चीज़ का संकेत है वहाँ पर कि तुम्हारा लड़का जो है दक्षिण पंथी रहे, वामपंथी न रहे, मने सीधा सरल सच्चाई का ईमानदारी के रास्ते पर चले, उल्टे रास्ते पर तुम्हारी संतान न चले, क्योंकि उल्टे रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है, उसका परिणाम हमेशा दुखदायक होता है। तो तुम्हारी संतान इस प्रकार से जो है गलत रास्ते पर, विपरीत रास्ते पर न चले, हमेशा जो है सीधा सरल सच्चाई का, ईमानदारी का, धर्म का जो मार्ग है उस रास्ते पर वो चलता रहे। इस चीज़ का संकेत यहाँ पर जिन विधियों के द्वारा दिया गया है, पत्नी बाईं ओर बैठी है, पति इधर बैठा है, और दाहिनी ओर जो आचार्य गुरु या पुरोहित बैठा है, ये भी संकेत दे दिया है कि संतान के निर्माण में जो है पहला जो उत्तरदायित्व वो माँ का है। माँ के पश्चात जब बालक 5-7 साल का हो जाता है, उसके बाद पिता का उत्तरदायित्व और उसके बाद गुरु का है। तो आचार्य और गुरु का तो तीसरे नंबर पर है। जो संस्कार बच्चे को माँ के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे वो संस्कार जीवन भर कार्य करते हैं। इसलिए अपने यहाँ इस बात को कहा जाता है कि कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको आप जैसा शेप देना चाहो, जैसा आकार देना चाहो, वैसा आकार उसको दे सकते हो। तो बालक अभी प्रारंभिक अवस्था के अंदर है, माँ जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार के संस्कार उसको देना चाहेगी, निश्चित रूप से वो संस्कार उस बालक के ऊपर पड़ेगा।
पहला जो अवसर होता है कि बालक के कान में माँ के शब्द पढ़ते हैं, इसलिए उस भाषा का नाम मातृभाषा कहा गया। पितृभाषा और आचार्य भाषा का प्रयोग नहीं होता है, संकेत वहाँ पर जो दिया है। जिन मंत्रों से आहुति दी जा रही उनका भी अपना भाव रहा है कि बालक की जठराग्नि ठीक रहे। यदि अग्नि ज़्यादा प्रचंड हुई पित्त कुपित हो जाएगा, कम रही तो कफ की वृद्धि हो जाएगी। भूरक नहीं प्राणा स्वाह के अग्नि का ध्यान रखना चाहिए। वायु यदि कुपित होगा तो वात संबंधी रोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वात संबंधी भी रोग न हो, वहाँ पर जो है उसका वात भी ठीक रहे, पित्त भी ठीक रहे और कफ भी उसका ठीक रहे, तीनों धातुएँ बराबर की रहे। इससे सृष्टिकृत आहुति में यद्वा न्यूनम अधिकम वा मैं अपने संतान के निर्माण में किसी चीज़ की भी अधिकता और किसी चीज़ की न्यूनता नहीं करूँगा, यह संकेत वहाँ पर जो है इन मंत्रों के द्वारा भी दिया जा रहा है, ताकि बालक का जो संतुलन ठीक प्रकार से वो बना हुआ रहे। बंधुओं, जहाँ पर इस बात का बालक का नाम रखा जाता है, जिन मंत्रों का उल्लेख ऋषि ने संस्कार के अंदर किया है, वहाँ पर जो है पिता इस चीज़ को जो है जो मंत्र बोल रहा है उसका वायु का स्पर्श करता, अपनी ध्यान का जो है ध्यान आकृष्ट करता हुआ जो वाक्य बोल रहा है, कोसी कतमोसी कश्यासी को नामासी, वह इस चीज़ का संकेत दे रहा है कि जहाँ पर तुम कौन हो, किसके हो, क्या नाम हो। वो माता और पिता, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि अपने संतान के नाम से अपना परिचय दिया करें, वो सबसे बड़े भाग्यशाली होते हैं। यानी तुम इस प्रकार से अपनी योग्यता रखो, बालक और बालिका को संकेत दे रहा है कि तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे गुणों को देख करके लोगों का जो ध्यान तुम्हारी ओर आकृष्ट हो और इस बात का जाए कि भाई ये कौन है और साथ साथ में कस्य असी है, किसका बेटा और बेटी है। यदि ये ध्यान जाएगा तो माता और पिता के लिए बहुत गौरव की बात होगी कि तुम उसको तुमको हम ऐसे गुणों से संपन्न करेंगे कि तुम्हारे सद्गुणों की ओर लोगों का ध्यान जाए और तुम्हारे नाम से हमारा अपना परिचय जो हो सके। इस प्रकार की भावनाएं यह मंत्र के अंदर जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और किस प्रकार से तुम सद्गुणों से संपन्न हो सकोगे, यम त्वा सोमेन अति तृपाम, हम सोम परमात्मा के लिए आ रहा है कि तुम्हें हम परमात्मा से तृप्त करेंगे। इस बात के संस्कार डालने का यत्न करेंगे कि जीवन के अंदर जो है परमात्मा हर पल और हर क्षण तुम्हें देख रहा है। हम जो करते हैं उसको भी परमात्मा देखता है, हम जो बोलते हैं उसको भी परमात्मा देखता है और हम जो अच्छा और बुरा सोचते हैं उसको भी परमात्मा जानता है। इसलिए मनुस्मृति के अंदर शारीरिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक पाप का भी उल्लेख किया गया है। शरीर से कोई व्यक्ति पाप करता है उसका तो लौकिक जगत के अंदर कोई दंड दे सकता है, वाणी से यदि कोई गाली गलौज करेगा उसका भी कोई जो है लौकिक जगत के अंदर सांसारिक व्यवस्था में सजा मिल सकती है। लेकिन मन से जो व्यक्ति कोई पाप कर रहा है उसको परमात्मा के अलावा कोई दूसरा जानता नहीं है। इसलिए इस चीज़ को कहा गया है कि परमात्मा मन से पाप करने वाले व्यक्ति को भी कभी छोड़ेगा नहीं, वह छोड़ता नहीं है। और मन से पाप जो गिनाया उसमें एक मोटे रूप से निवेदन करूँ, उसके अंदर कह दिया मनसा अनिष्ट चिंतनम, आप दूसरे का बुरा कर सको या ना कर सको, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे का मन से बुरा सोच रहा है वो भी मन से क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। और यदि मन से पाप कर रहा है तो परमात्मा उसको कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए तो भगवान से हम प्रार्थना करते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, है भगवान मेरे मन में अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे तो मैं अच्छे शब्द बोलूँगा, अच्छे शब्द बोलूँगा तो मैं अच्छे कर्म करूँगा। यत मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। यानी वाणी के एक तरफ मन है और दूसरी तरफ क्या है, कर्म है। इसलिए मन जितना हमारा प्रबल होगा और ठीक होगा वहाँ वाणी भी हमारी ठीक होगी, और वाणी ठीक होगी तो कर्म भी हमारे अपने क्या होंगे, ठीक होंगे। तो पिता इस बात को कह रहा है नाम रखते हुए कि मैं पूरा प्रयत्न करेंगे हम दोनों पति और पत्नी
तेरे माता और पिता जिस बात को लेकर कहे कि तुम परमात्मा की व्यवस्था को, उसकी सर्वव्यापकता को और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को तुम अनुभव कर सको, कि मैं दुनिया से बच सकता हूँ लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से मैं कभी बच नहीं सकता हूँ, और यदि ये गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा और ये भावना तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा इतना नाम बढ़ेगा कि दुनिया के लोग पूछेंगे कि कस्य अस्ति, किसका बेटा और बेटी है, को नामासी, भाई ये किसका नाम है, और आगे कह रहे मेरे बेटे और बेटी कमज़ोर बन करके मत रहना। इसलिए वहाँ कहा कि सुपोषः पोषयी, तुम ताकतवर बनकर के रहना, मजबूत बनकर के रहना, तुम्हारा भरण और पोषण इस प्रकार से करेंगे जिसके कि द्वारा जो है तुम ताकतवर रहो, शरीर से बलवान रहो, दिमाग से बलवान रहो, मन से बलवान रहो, ताकि जीवन में बुराइयों से संघर्ष कर सको और बुराइयों से अपने आप को दूर कर सको। इस प्रकार से जो वो कह रहा है पिता, इस प्रकार की भावना रख रहा है और फिर कहता अंत में को असी, कस्य असी, अमृतो असी, इस बात को याद दिला रहा है कि मेरे बेटे और बेटी तुम जो है यह 10-20-100-50 साल का ही तुम्हारा अपना जीवन नहीं है, बल्कि तुम तो अमृत हो, अमरण धर्मा हो, यानी तुम नित्य हो, शाश्वत हो। यह तो शरीर को प्राप्त करना जन्म कहलाता, शरीर को छोड़ना मृत्यु कहलाती है, और तुम्हारी स्थिति ऐसे है कि तुम बार बार जो है जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र बदलता रहता है, पुराना कपड़ा छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, तो तुम पुराने कपड़े को छोड़कर के आयो, नए कपड़े को, नए शरीर को तुमने धारण किया है, और फिर वापस जो है शरीर कर्म करने के लायक नहीं रहेगा, तो वापस तुम वस्त्र बदल दोगे, तुम तो हमेशा अमृत हो, अमरण धर्मा हो। जब तुम अमरण धर्मा हो, तुम्हारा परम पिता जो है परम माता वो अमरण धर्मा है, तो तुम उसके पास बैठने के लायक बन सको। और हम दोनों इसी बात का लेकर के प्रयत्न करेंगे कि तुम जो है इस प्रकार के सद्गुणों से संपन्न हो सको और जीवन के अंदर जो है तुम्हारा यश और गौरव इतना बढ़े कि को असी, को नामासी, कस्य असी कहकर के तुम्हें संबोधित कर सके। तो इस प्रकार से माता और पिता बालक के जन्म के इस अवसर के ऊपर उसके प्रति इस प्रकार की भावना को व्यक्त करते हैं। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, इसके पश्चात एक और संस्कार आ जाता है जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। महर्षि दयानंद ने इस संस्कार का उल्लेख करते इस बात को लिखा कि बालक अब तक जहाँ कुमारागार, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ रहा है, अब बाहर के प्राकृतिक वातावरण को सहन करने की क्षमता के लायक जब वो तीसरे चौथे महीने का हो जाता है, तब उसको घर से बाहर निकाला जाता है, उसको भी एक संस्कार दिया गया है। थोड़ी सी प्रतिकूलता और थोड़ी सी अनुकूलता में हम डावाडोल न हो जाए, इसलिए इस बात को याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करने की क्षमता आ जाए, और क्षमता आने के लिए ही जो पिता उसको घर से, उस कुमारागार से बाहर निकालते हैं, और जो है वहाँ पर जो है इस चीज़ का प्रयत्न करते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी सहन कर सके, वो ऊर्जा प्राप्त कर सके और चंद्रमा की शीतलता को भी ग्रहण कर सके, दोनों चीज़ें उसमें हो, इसलिए दिन और रात्रि दोनों की चीज़ वहाँ पर संकेत दी। पौत्रम मगह शब्द का प्रयोग किया कि पुत्र संबंधी पाप या दुख हमें जीवन के अंदर न प्राप्त हो, इसलिए वहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश में, यानी बाहर जब ले जाते हैं प्राणवायु उसको मिलती है, वहाँ पर उस मंत्र का पिता पाठ करता है, तत्चक्षुर देवहितम, जो संध्या के अंदर हम लोग मंत्र बोलते हैं, और इस मंत्र को बोलते हुए पिता इस बात की कामना करता है कि अदीनः श्याम शरदः शतम्, तुम जीवन के अंदर अधीन बन करके रहना, पराधीनता सबसे बड़ा भारी दुख है, सर्वम परवशम दुखम, यानी दुख का सबसे बड़ा कारण बताया गया पराधीनता, परावशता, तो इस बात को कहा जा रहा है कि तुम पराधीन नहीं रहोगे, और पराधीन तभी नहीं रह पाओगे कि अपने शरीर को मजबूत करोगे, और शरीर को मजबूत करने के साथ साथ मन के अंदर जो है वो शांति भी रहेगी, शीतलता रहेगी। छोटी छोटी बात को लेकर के उफान खाने वाला या बर्तन फेंकने वाला या क्रोध करने वाला व्यक्ति जो है बनते काम को बिगाड़ करके रख देता है, इसलिए जो जितना शांत होगा, धैर्य रखने वाला होगा, सहनशील व्यक्ति होगा जीवन के अंदर, उतनी वो सफलता प्राप्त करता है।
इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार से चंद्रमा की शीतल किरणें जो है शीतलता प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन के अंदर जो है शीतलता रहे, शांत रहो, गंभीर रहो, धैर्य रखो, सहनशीलता रखो, इस चीज़ का भी वो संकेत दे रहा है। वहाँ पर चंद्रमा की किरणों के साथ एक लौकिक प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि पानी लेकर के चंद्रमा के सामने छोड़ें, भूमि को खोद करके व्यक्ति पानी निकालता है और भूमि का हिस्सा जमीन का हिस्सा है, ठीक इसी प्रकार से वापस वो जमीन पर डाल रहा है। पिता इस बात को कह रहा है कि भूमि हमारी अपनी माता है और जिस प्रकार से जल भूमि से निकला और वापस भूमि के अंदर पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया है, ठीक इसी प्रकार से हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को लगाने का पूरा प्रयत्न करें। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, जिस बात को कहा जा रहा वो भावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। और इस प्रकार से माता और पिता का संकेत जहाँ पर दे रहे हैं, चंद्रमा और पृथ्वी का भी संकेत यहाँ पर दिया कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है लेकिन वो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। माता और पिता इस चीज़ को भी याद दिला रहे हैं कि संतान को जो है कि तुम जो है यदि दूर भी हो अपने कार्यों के वश, किसी कारण से काम करने के लिए आप दूर गए हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि तुम हमेशा माता और पिता के साथ जुड़े हुए रहना, संबद्ध रहना। जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की सदा परिक्रमा करता है, वो उससे दूर नहीं भागता, दूर रहते उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो संतान माता पिता के साथ जुड़ी हुई रहेगी तो जीवन के अंदर जो सुख प्राप्त करेगी, शांति को प्राप्त करेगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करेगी। और माता और पिता के एहसान को जिस बालक और बालिका ने भुला दिया और माँ बाप की उपेक्षा कर दी परवाह नहीं की, तो निश्चित रूप से जो है माता पिता के वो आशीर्वाद से वंचित हो जाएगा। और सुख और शांति व्यक्ति जो प्राप्त करता है वो अपने कर्मों के कारण नहीं बल्कि जो है कर्मों के साथ साथ माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त करता है। इसलिए मनु ने जिस बात को लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का यश, उसका बल, ये जीवन के अंदर जो है विद्या, ये यदि प्राप्त होती है तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, उनकी सेवा करने से प्राप्त होती है। इसलिए हम वयोवृद्धों की सेवा हमेशा करते रहे, उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते हैं, वो शीतलता से, सुख से, शांति से, ऐश्वर्य से और यश से वंचित हो जाते हैं। यश बाजार में बिकता नहीं है। कोई व्यक्ति हजारों रुपए लेकर चला जाए राजधानी के अंदर, यहाँ पर के इतने रुपए ले लो और मुझे थोड़ा यश दे देना, मुझे जो है मेरा जीवन सुखी रहे, आप जो है थोड़ा सुख दे देना, तो सुख बिकता नहीं है और यश भी नहीं बिकता। ध्यान दीजिएगा, यश यदि प्राप्त होगा तो वो माता और पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, उनके सेवा से ही ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो जीवन में शीतलता, जीवन में सुख, जीवन में शांति और जीवन के अंदर जो है तेजस्विता यदि व्यक्ति के जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से प्राप्त होगी। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और हमेशा उससे बंधी हुई रहती है, वह कभी इधर उधर नहीं होती। जिस मार्ग पर उसको घूमना उसी पर घूमती रहती है और चंद्रमा भी दीर्घ वृत्ताकार में जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इस प्रकार से यह निष्क्रमण संस्कार का उल्लेख महर्षि दयानंद ने इस चौथे मास के अंदर उल्लेख किया है, जिसके के द्वारा शुद्ध वायु उसको प्राप्त हो। प्राण वायु जितनी हमें प्राप्त होगी निश्चित रूप से हमारे श्वास प्रश्वास की गति भी ठीक रहेगी। तो इस प्रकार से निष्क्रमण संस्कार की महत्ता को बतलाया, जहाँ पर नामकरण संस्कार के द्वारा जो हमारे नाम सार्थक हो और सार्थक नाम के साथ साथ में जो है वो हमें प्रेरणा देने वाले नाम हो, और नाम के द्वारा हमारा व्यवहार होता है जिस चीज़ का संकेत दिया, और नाम रखते हुए पिता इसी बात की आकांक्षा और अभिलाषा रखता है कि नाम रखते रखते इस चीज़ का भी संकेत देता है कि मैं तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति डालने का प्रयत्न करूँगा,
तुम जीवन के अंदर ईश्वर की उपासना कर सको। और ईश्वर की उपासना कहने से नहीं आएगी। माता और पिता यदि ईश्वर की उपासना करते हैं तो संतान अपने आप सीख जाएगी। और माँ बाप यदि जो है टीवी चलाकर बैठते हैं और बच्चे से कहते हैं कि चल थोड़ी संध्या कर ले, गायत्री का जाप कर ले, तो बच्चा कभी भी नहीं करेगा। हो सकता है कि डर के मारे जब बहुत छोटी आयु हो तब कर ले, बड़ा होने के पश्चात उसकी ओर नहीं रहेगा। तो हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि हम जो करते हैं उसकी नकल किया करते हैं। तो माता पिता को भी ये संकेत दिया गया है और साथ में जो है इस चीज़ को याद दिलाया गया है कि नाम ऐसा रखा जाए जो प्रेरणा दे सके। उससे पूर्व ये जातकर्म संस्कार, जिस संस्कार के अंदर जो है जहाँ पर उसको एक लौकिक व्यवहार यानी मधुरता हो, स्नेह हो, जीवन के लक्ष्य में दृढ़ता हो, चट्टान की बातें हो। दृढ़ता आप देखिए महर्षि दयानंद के जीवन की, जिस समय वो घर से भागे और घर से भागने के पश्चात सिद्धपुर के मेले में पिता ने उनको पकड़ लिया और जहाँ पर चा जो है उनके साथ रक्षक उनके लगा दिए गए कि इसको कभी छोड़ना मत। ऋषि दयानंद स्वयं लिखते इस बात को कि मेरे पीछे वो पुलिस वाले आरक्षी दल के लोग छाया की तरह लगे रहे। स्वामी जी लिखते हैं कि दो रात तो मैं लेटा रहा, उनको लेटे लेटे देखता रहा और सोचता रहा कि भगवान मैं कैसे जो है शिव के दर्शन करूँगा। और तीसरी रात को जब मैं लेटा रहा और लेटते लेटते मैंने इस बात को सोचा कि यदि आज मुझे अवसर नहीं मिलेगा तो मैं शिव के दर्शन से वंचित हो जाऊँगा। वो कह रहे हैं कि मैं लेटा हुआ हूँ और नींद मुझे नहीं आ रही है और मुझे शिव के दर्शन करने पिता ने कड़ा पहरा लगा रखा है। लेकिन कहते हैं कि तीसरी रात को तीसरे प्रहर होते होते उन आरक्षी दल के मने पुलिस वाले बैठे बैठे तंद्रा के वशीभूत हो गए, यानी वो ऊँगने लगे। तब ऋषि लिखते हैं कि उस समय मैंने देखा ये बहुत बड़ा बढ़िया अवसर है। मैं उठा, धीरे से उठा और कहते मैंने जलपात्र उठाया, लोटा उठाया और मैं उल्टे पैर चला, यानी कभी वो देख ले तो कह दूंगा कि मैं शोध जा रहा हूँ। और जब इतना दूर चला गया कि अंधेरे में मुझे देख नहीं सकते तो मैंने जोर से लोटा फेंका और इतना जोर से दौड़ा, इतना जोर से दौड़ा कि वो मुझे पकड़ना चाहे तब भी पकड़ नहीं सकते। ये है दृढ़ता, आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखते हैं, मैं सिद्धपुर के गांव के अंदर, गांव के पास में कोई बगीचा था, उस बगीचे के अंदर चला गया। वहाँ शिवालय था, कोई मंदिर था, उसके साथ लगा हुआ एक पेड़ था। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बैठ गया ऊपर। प्रातःकाल होते होते पिताजी उन पुलिस वालों को लेकर के उस बगीचे के अंदर आए। आप सोचते उस समय क्या स्थिति हुई होगी। वो माली से पूछ रहे हैं कि भाई कोई लड़का है यहाँ पर, तो ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, उस समय जब पिताजी पुलिस दल के लोगों को लेकर के आए बगीचे में, तब माली ने कहा मैंने तो नहीं देखा लेकिन आप घूम के देख लो। तो कहते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर बैठा था मेरा श्वास और प्रश्वास जहाँ चल रहा था वहीं रुक गया, यानी ये लगा कि यदि सांस की भी थोड़ी सी आवाज़ गई, उन्होंने ऊपर देख लिया, हे भगवान मैं शिव के दर्शन से वंचित रह जाऊँगा। ये थी दृढ़ता। वो कहते हैं कि जब देख दिखा के चले गए, उसके बाद अपनी स्थिति क्या लिखते हैं, मैं दिन भर उस पेड़ पर बैठा रहा, उस वृक्ष पर बैठा रहा, न भूख और प्यास ने सताया। आप सोचो अपने उद्देश्य के लिए, ऋषि लिख रहे हैं कि न भूख और प्यास ने सताया, न मलमूत्र के वेग ने मुझे बाध्य किया है। कितना बड़ा भारी तब तो आप सोच सकते हो, यानी व्यक्ति 15-16 घंटे जो पेड़ के ऊपर बैठा रहा उसको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, उसको मलमूत्र का वेग नहीं लगा, केवल इसलिए कि मुझे सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। और परिणाम था कि वो महापुरुष दुनिया के अंदर महर्षि दयानंद के नाम से विख्यात हो गया। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होता तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही संकेत यहाँ पर जो दिया जा रहा है, तो परमात्मा कृपा करें कि महर्षि दयानंद ने जो निर्देश और संदेश दिया है उन निर्देशों का पालन करते हुए अब अपने जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाने का यत्न करें। आप लोगों ने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बातों को सुना, स्वामी जी ने आपके बीच बात कहने का अवसर दिया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।